हाय गाइस, तो हमने एंटी ट्रांसपायरेशन के बारे में पढ़ लिया था और फिर हमारा एक बार नेक्स्ट है रोटेशन हमारा बिंदु स्राव, पर हम एक बार वापस से एंटी ट्रांसपायरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एंटी ट्रांसपायरेशन मतलब ट्रांसपायरेशन को लो करना, या वो मटेरियल्स जो ट्रांसपायरेशन रेट को कम करते हैं उन्हें हम लेते हैं एंटी ट्रांसपायरेशन, या उन्हें कहते हैं हम एंटी ट्रांसपायरेंट, जिसमें हम देखते हैं कि लीफ पर है या बॉल प्लांट पर है जिन पर मोम की लेयर मिलती है उनमें क्या होता है, ट्रांसपायरेशन कम हो जाती है। तो हम देखें तो एंटी ट्रांसपायरेंट की या हम ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस को जो डिक्रीज करते हैं उन्हें हम एंटी ट्रांसपायरेंट कहते हैं। इसमें हम ले सकते हैं पॉलीथीन, क्योंकि देखिए जब हम किसी भी पौधे को है पॉलीथीन से कवर करते हैं तो क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होता है, लेकिन कुछ टाइम ट्रांसपायरेशन की स्पीड हाई होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब पॉलीथीन का एरिया है वो आप जानते हैं वाटर को क्रॉस नहीं करने देता, तो क्या होता है जो पॉलीथीन के अंदर की एरिया में होता है वो वाटर वेपर वो हाई हो जाती है, उसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, जिससे हमने बात की थी कि अगर पत्ती के आसपास ह्यूमिडिटी या वेपर की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो ट्रांसपायरेशन की रेट कम हो जाती है। तो इसी तरह पॉलीथीन को क्या है, हम जब किसी प्लांट पर कवर करते हैं तो थोड़ी देर बाद में क्या होता है, पत्ती के आसपास या पॉलीथीन बैग के अंदर वाटर की जो ह्यूमिडिटी है या वाटर वेपर की मात्रा वो हाई हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपायरेशन रेट कम हो जाती है। सेकंड की हम बात करें तो क्यूटिकल लेयर, या हम कह सकते हैं मॉमी लेयर और वैक्स लेयर, ये प्लांट्स पर नेचुरल मिलती है। तो क्या होता है, देखिए हमारे जीरोफिटिक प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स पर लीफ पर या पूरे हम पूरे प्लांट बॉडी पर, जैसे हमारे एलोवेरा है या कैक्टस टाइप है, तो उन पर क्या होते हैं, पूरे प्लांट पर होती है। तो लीफ पर एक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल क्या होते हैं वाटर के लिए इम्परमेबल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपायरेशन की रेट अपने आप कम हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मॉमी लेयर की, या हम कभी पत्ती वत्ती पर मॉमी लेयर भी मिल जाती है, या फिर हम किसी एक्सपेरिमेंट में जब हमें ट्रांसपायरेशन की रेट पता करनी हो तो हम क्या करते हैं, पत्तियों पर मोमी लेयर चढ़ा देते हैं या वैक्स की एक परत बना देते हैं, जिससे क्या होता है, ट्रांसपायरेशन अपने आप कम हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमने बात की थी मर्क्यूरिक एसीटेट, या हम बोलें सिलिकॉन ऑयल, ठीक है, ये तो हमारे हो गए वैसे फिजिकल फैक्टर्स। जैसे तो अब हम केमिकल की बात करें तो जो हम एक्सपेरिमेंट्स में ट्रांसपायरेशन, या हम जब इकोलॉजिकल से रिलेटेड हम एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, या हम फिजियोलॉजी में ट्रांसपायरेशन रिलेटेड कुछ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो सिलिकॉन लेयर सिलिकॉन ऑयल का हम यूज़ करते हैं। इसी तरह ये एक हमारा केमिकल कंपाउंड है फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, इसका यूज़ भी ट्रांसपायरेशन रेट को कम करने में किया जाता है, तो इसको हम एंटी ट्रांसपायरेंट कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ट्रांसपायरेशन की रेट को कम करता है। अब हम हमारे आज के टॉपिक पर आते हैं, जिसका मतलब जो है रोटेशन। रोटेशन को हिंदी में बोलते हैं बिंदु स्राव। अब देखिए आपने कई बार देखा होगा सर्दियों के मौसम में पत्तियों के ऊपर बिल्कुल टिप वाले पार्ट पर, यहाँ ये कोई पत्ती है, इसके यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट पर सर्दियों के मौसम में सुबह सुबह कुछ पानी की बूंदे सी लगी रहती है ना, तो बस ये पानी की बूंदे ही गटेशन है, या इन पानी की बूंदों का पत्ती के निकलना ही निकलने की प्रोसेस गटेशन कहलाती है। अब ये जो वाटर ड्रॉप्स हैं, ये देखिए एक हमारा था ट्रांसपायरेशन। अब जो हमारा ट्रांसपायरेशन है
वो तो हमारे स्टोमेटा के थ्रू हो जाता है। या हम बात करें स्टोमेटा या लेंटिकल्स, लेंटिकल्स वो जो स्टेम पर और फ्रूट्स पर मिलते हैं स्टोमेटा, उनको हम लेंटिकल्स कहते हैं। या हम बात करें क्यूटिकुलरस ट्रांसपायरेशन, या क्यूटिकल के थ्रू होता है ट्रांसपायरेशन तो हमारा, या वाष्पोत्सर्जन तो हमारा क्या होता है, इनके थ्रू हो जाता है। लेकिन जो गटेशन है ये इस ये क्या होता है, ये कुछ स्पेसिफिक, कुछ ऐसे मान ली स्पेसिफिक स्टोमेटाज होते हैं जो कि क्या होते हैं, लीफ के अपर पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, लीफ के अपर पार्ट में कुछ स्पेसिफिक स्टोमेटा कहते होते हैं जिन्हें हम हाइड्रोपॉड्स कहते हैं। हाइड्रोपॉड्स यानी हम जल बिंदु, सॉरी जल छिद्र बोलते हो इनको। ये क्या होते हैं, सबसे ऊपर, या हम बात करें लीफ के सबसे ऊपर वाले टिप वाले पार्ट में मिलते हैं, इन्हें हम कह सकते हैं वाटर स्टोमेटा। ठीक है, अब देखिए ये जो हाइड्रोपॉड्स होते हैं ये होते हैं लीफ के अपर पार्ट पर, ठीक है, बिंदु से होते हैं। जब देखिए जाइलम, ये हमारा, ये हमने हाइड्रोपॉड्स को बताने के लिए लीफ का वर्टिकल सेक्शन लिया है जिसमें ये बाहर की लेयर है, ये वाली, ये हमारी क्या है एपिडर्मिस है। ये नीचे की ओर जब वेंस बनती है, ठीक है, ये हमारी पत्ती में या हमारी लीव्स में वेंस मिलती है, मिडरिब भी मिलती है ना, तो आप इसको कह लीजिए मिडरिब्स या वेन कह लिया हमने, या नीचे वाले पोर्शन को हम जाइलम कह रहे हैं। ऊपर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये है हमारा हाइड्रोपॉड्स, या हम कहें वाटर स्टोमेटा, ठीक है। और ये जो हमने गोले गोले से बनाए हैं ये हमारे मेसोफिल टिश्यू है, ठीक है। तो अब देखिए जब जाइलम में प्रेशर डेवलप होता है तो उस प्रेशर के कारण क्या होता है, हाइड्रोपॉड्स से वाटर बाहर की ओर निकलता है। और ये प्रेशर मोस्टली क्या होता है, सर्दियों के मौसम में इंक्रीज होता है। जब सर्दी के मौसम में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, जाइलम में प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। जाइलम प्रेशर डेवलप होने के कारण हाइड्रोपॉड्स से या पत्ती के अपर पार्ट से पानी की कुछ बूंदें निकल जाती हैं। अब ये जो देखिए ये जो बूंदें होती हैं, ये पानी की बूंदें होती हैं, ये ना प्योर नहीं होती है, इनमें सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, या हम कहें कि इनमें वाटर प्लस सॉल्ट होता है। और ये सॉल्ट डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन कह सकते हैं, ये बिल्कुल प्योर नहीं होता है। अब देखिए जब हम अगर बात करें ट्रांसपायरेशन की और इनकी गटेशन की बात करें, तो ट्रांसपायरेशन में वाटर है वो एक वेपर के रूप में निकलता है, जबकि इसमें क्या है, ये वाटर ड्रॉप्स के रूप में रिलीज होता है। जो हमारे ट्रांसपायरेशन होता है इसमें जो वेपर होती है वो प्योर होती है बिल्कुल, ठीक है, जबकि ये क्या होता है डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, ये इम्प्योर टाइप का होता है। हम आगे बात करें तो ट्रांसपायरेशन है ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, ट्रांसपायरेशन की रेट इंक्रीज होती है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट गटेशन होता है, अगर टेम्परेचर कम होगा तो ही गटेशन की प्रोसेस होगी। कि आप सबने देखा है सर्दियों के मौसम में ही पत्तियों के टिप वाले पार्ट पर, एपिकल पार्ट पर पानी की कुछ बूंदें हमें सुबह सुबह दिखाई देती हैं। नॉर्मली हम सोचते हैं कि ये ओस की बूंदें हैं, पर नहीं, टेम्परेचर कम होने के कारण जाइलम में प्रेशर डेवलप होता है, जिससे क्या होता है लीफ के एपिकल पार्ट से जहाँ पर हमारे वाटर स्टोमेटा होते हैं उनसे वाटर ड्रॉप्स रिलीज होती हैं जिन्हें हम गटेशन की प्रोसेस कहते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ट्रांसपायरेशन एक बहुत ही कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है, क्योंकि देखिए टेम्परेचर के द्वारा कंट्रोल होती है और बहुत सारे एंजाइम हैं, स्टोमेटास रेगुलेशन है, ये सब क्या है ट्रांसपायरेशन से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा वाटर का रूट्स के थ्रू जो वाटर का अब्सॉर्प्शन हो रहा है उस पर भी ट्रांसपायरेशन डिपेंड रहता है। लेकिन और ये बहुत ही कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है। आप देखिए जब ट्रांसपायरेशन रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जब वाटर लेक हो जाती है,
या पानी की कमी हो जाती है पौधे में, तो क्या है स्टोमेटा अपने आप बंद हो जाते हैं। जब टेम्परेचर एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तब भी क्या होता है स्टोमेटा अपने आप बंद हो जाते हैं। इसी तरह तो ये क्या है ट्रांसपायरेशन एक बहुत ही कंट्रोल्ड होती एक मतलब कंट्रोल प्रोसेस है, जबकि वो कंडीशन है ये अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है। इसके ऊपर मतलब टेम्परेचर के अलावा किसी चीज़ का असर नहीं पड़ता है, टेम्परेचर कम होगा तो कंडीशन होगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें अगर ट्रांसपायरेशन है उसकी रेट हाई हो जाती है तो पौधा क्या होता है मुरझाने लग जाता है, जबकि गटेशन अगर हाई हो जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पौधे में किसी भी तरह की ड्राइनेस या फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस गटेशन की वजह से नहीं आती। तो हम अगर इनकी प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह की बात करें तो देखिए सबसे पहली बात पत्ती के एपिकल पार्ट से वाटर का वाटर ड्रॉप्स के रूप में बाहर निकलना गटेशन कहलाता है। ये तो हो गई हमारी प्रॉपर डेफिनेशन। गटेशन की प्रोसेस या गटेशन की डेफिनेशन की वाटर का वाटर ड्रॉप्स के रूप में लीफ की एपिकल पार्ट से रिलीज होना क्या है गटेशन है, या हम कहें कि गटेशन की प्रोसेस में या गटेशन की प्रोसेस में वाटर वाटर ड्रॉप्स के रूप में लीफ की एपिकल पार्ट से रिलीज होता है तो हो गया गटेशन। तो देखिए अब सेकेंड पॉइंट हमारा हो जाएगा कि जो गटेशन की प्रोसेस है वो हाइड्रोथॉट्स से होती है जो कि लीफ के एपिकल पार्ट से एपिकल पार्ट में प्रेजेंट होता है। पहले देखिए तो गटेशन की प्रोसेस है मोस्टली सर्व प्लांट में मिलती है शाख यानी शूट या शाख पादपों में मिलती है, शर्व टाइप के प्लांट्स में मिलती है जैसे हमने पत्ता गोभी फूल गोभी आलू बैंगन इस इन टाइप के पौधों में क्या है सबसे ज़्यादा गटेशन की प्रोसेस मिलती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वाटर स्टोमेटा या हाइटोथॉर्स प्रेजेंट इन एपिकल पार्ट ऑफ लीफ बाय वाटर स्टोमेटा और हाइटोथॉर्स प्रेजेंट इन एपिकल पार्ट ऑफ लीफ Thank you.
इंटरप्रिटेशन की प्रोसेस आई टू थॉट्स जो कि एपिकल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा होती है, या हम कहें गटेशन इज डन बाय वाटर स्टोमेटा या हाइगर थॉट्स। तो ये हो गई हमारे थर्ड पॉइंट। इसके आगे हम देखें तो हम कह सकते हैं कि हाइगर थॉट्स की जो प्रोसेस है वो लो टेम्परेचर या विंटर सीजन में मोस्टली देखने को मिलती है, क्योंकि क्या होता है गटेशन की प्रोसेस पर जो वाटर है जो टेम्परेचर है उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। क्या होता है मोस्टली ये प्रोसेस हमें विंटर सीजन या अर्ली मॉर्निंग जब लो टेम्परेचर होता है तब देखने को मिलती है। टेम्परेचर के डिक्रीज होने के कारण जाइलम में कुछ प्रेशर डेवलप होता है, जिससे क्या होता है वेन से या लीफ वेन से कुछ वाटर की क्वांटिटी है वो बाहर हाइगर थॉट से बाहर की ओर निकल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं गटेशन की प्रोसेस। तो हम कहें तो यहाँ हमारे देखिए जाइलम में क्या है प्रेशर डेवलप हो गया। प्रेशर डेवलप होने के कारण क्या होगा लीफ वेन से वाटर की कुछ क्वांटिटी हाइड्रोथॉट्स के थ्रू बाहर की ओर निकल जाएगी। तो देखिए हमारे जो हाइगर थॉट्स है ये सबसे पहले क्या बात है ये वेंस के नज़दीक प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारी जो लीफ वेन होती है लीफ की जो शिराएं होती हैं वो क्या है पूरी पत्ती में जाली की तरह फैली रहती हैं। तो देखिए जहाँ पर भी ये वेंस ख़त्म होगी उसका एंड पॉइंट है वो हमारे क्या होंगे हाइड्रो थॉट्स कहलाएंगे, या फिर हम कहें कि हाइड्रो थॉट्स होते हैं वो लीफ वेन का एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है कि देखिए जहां भी लीफ वेन पत्ती के जिस भी पार्ट में ये वेन्स खत्म होंगी, ठीक है देखिए यहाँ पर खत्म हुई तो यहाँ पर एक आ जाएगा हाइड्रो थॉट्स, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, एक यहाँ पर एक, यहाँ पर ऐसे हर जहां पर भी वैन जाके लीफ के मार्जिन एरिया को टच करेगी वहाँ पर ही एक हमारा वाटर स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। अब क्योंकि देखिए ये जो हमारी मिडरिप होती है सेंटर में होती है एपिकल पार्ट तक जाती है तो यहाँ पर भी क्या होगा एक वाटर स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। ठीक है तो ये हमारे लीफ में सिर्फ एक ही वाटर स्टोमेटा नहीं मिलता है, जहाँ पर भी वैन का एंड पॉइंट आएगा वहाँ पर क्या होगा एक वाटर स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट मतलब नेक्स्ट पॉइंट लेके चलें तो थोड़ी देर पहले बताया था कि ये वाटर है इम्प्योर टाइप का होता है, क्योंकि ये क्या है डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। रिलीज वाटर इज इम्प्योर बिकॉज इन दिस सॉल्ट्स आर प्रेजेंट in low quantity
डिप्रेशन की बात, तो अब इसके बाद हमारे जो डिफरेंस देख लेते हैं ट्रांसपायरेशन और गटेशन के बीच में। तो देखिए, आपने एक बात ध्यान भी होगी, जब भी हम पानी को गर्म करते हैं, घर पर गर्म करते हैं, तो क्या होता है, हम मान लीजिए पानी में बहुत नमक वगैरह मिला दिया है, उसके बाद हम पानी को गर्म करते हैं, तो देखिए जो पानी उबलने के बाद जब वो वेपोराइज्ड होने लगता है, इवेपोराइज्ड होने लगता है, तो क्या होता है, नमक है वो पैने में ही रह जाता है। जब टोटल वाटर जो हमने लिया है वो इवेपोराइज या वाश मतलब इवेपोराइज हो जाता है, तो जो हमारा नमक है जो पैने में ही रह जाता है, कि जब वाटर का इवेपोराइजेशन हो रहा है तो वो एकदम प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है, उसके साथ मिले हुए जितने भी सॉल्ट्स वगैरह हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, वो क्या है, वो वहीं की वहीं रह जाते हैं। तो सबसे पहली तो बात यही हो जाएगी कि जो ट्रांसपायरेशन है उसमें हमेशा जो वेपर होती है वो बिल्कुल प्योर होती है, उसमें किसी टाइप का ना तो मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ना ही कोई सॉल्ट होता है। तो हमारा नेक्स्ट आ गया डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड गटेशन। तो ट्रांसपायरेशन, सबसे पहली बात, ये स्टोमेटास के थ्रू होता है, गटेशन होता है वो वाटर स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो स्टोमेटल लेंटिक्यूलर और क्यूटिकुलर टाइप का होता है, ठीक है, उसमें क्या कोई टाइप है, इसमें नो टाइप, ये क्या होता है, ट्रांसपायरेशन डन बाय क्यूटिकल लेंटिकल और स्टोमेटा, ये क्या होता है, हाइड्रोथर्ड, ठीक है। हम बात करेंगे ट्रांसपायरेशन में क्या है, वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है, ड्रॉप्स के रूप में रिलीज होता है। अभी वेपर है जो वो क्या है, प्योर होती है, और ये क्या होता है, ये डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, ठीक है, क्या डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। ट्रांसपायरेशन की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज और लाइट इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, ट्रांसपायरेशन रेट भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तब क्या होगी, रेट इंक्रीज होगी, टेम्परेचर जब लो होगा तो क्या होगी, गटेशन की रेट इंक्रीज हो जाएगी। इसमें हम बात करें तो
दोपहर के टाइम या नून के टाइम क्या होगा, इसकी रेट मैक्सिमम होगी, वो क्या है, अर्ली मॉर्निंग होने वाली प्रोसेस है। नून में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग मैक्सिमम होता है, ये है नून या दोपहर के टाइम में मैक्सिमम होता है। अब ट्रांसपायरेशन है, ये क्या है, कंट्रोल्ड प्रोसेस है, ये क्या है, कोई कंट्रोल नहीं है। अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है। ट्रांसपायरेशन की रेट हाई होने पर पौधा क्या है, मुरझा जाता है, ट्रांसपायरेशन की रेट हाई होगी तो क्या होगा, पौधा मुरझा जाएगा और ये प्लांट पर क्या होगा, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखिए, ये थी हमारी गटेशन और ट्रांसपायरेशन में डिफरेंस, जिसमें हमने क्या कहा, ट्रांसपायरेशन है, कंट्रोल प्रोसेस है, दोपहर के टाइम में टाइम ज़्यादा होती है, टेम्परेचर और लाइट इंक्रीज होने पर बढ़ जाती है, ये स्ट्रोमेटा के थ्रू होती है, तीन टाइप की होती है, स्ट्रोमेटल, लेंटिकुलर, क्यूटिकुलर, और हमने बताया ये ट्रांसपायरेशन रेट हाई हो जाएगी तो क्या होगा, प्लांट मुरझा जाएगा। वही हमने कहा कि गटेशन अर्ली मॉर्निंग होने वाली प्रोसेस है, हाइड्रोपॉड्स के थ्रू होती है और अनकंट्रोल्ड है, प्लांट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, वाटर वाटर ड्रॉप्स के रूप में बाहर निकलता है, जो कि क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी गटेशन और ट्रांसपायरेशन की। तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पर। कल से हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी आपकी